बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कोटे में कोटे को देने की बात करने का एक प्रस्ताव जारी किया है और कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द कैबिनेट में पास कराने का काम करेंगे। ये न्याय समिति की रिपोर्ट को पास कराने की बात कह रहे हैं, मगर इस न्याय समिति की रिपोर्ट को आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही सरकार। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मंत्री थे सरकार में, तो उनसे कहा गया कि सरकार 6 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को लागू करा देगी। उसके बावजूद भी बीजेपी के केंद्र से लगाकर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक के नेताओं से बातचीत हुई, उन लोगों ने भी पूरा आश्वासन दिया, मगर ये पूरी तरीके से धोखेबाज सरकार है, पिछड़ों दलितों की न सुनने वाली सरकार है। 72 घंटे के अंदर श्रमण समाज को, गरीब श्रमण समाज को 10% आरक्षण देकर वो दिखा देते हैं कि हम आपका वोट ले रहे हैं, हम आपको आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, मगर जिन दलित और पिछड़े समाज के लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार आई, उसके बावजूद आज उन दलित और पिछड़े समाज के बारे में जब आरक्षण देने की बात आ रही है तो उनके पास समय नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये कहना है कि आप प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है, कैबिनेट में आप प्रस्ताव लाइए, अगली कैबिनेट की बैठक है हो, उस बैठक में आप प्रस्ताव लाकर ये साबित कर दें कि हाँ, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।